हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मी नायक ब्लॉग्स। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। फिर से आ गई हूँ मैं एक नया वीडियो लेके। तो कैसे हो नहीं बोलूँगी, एक दूसरे के हालात पता है अभी हम सबको जो हो रहा है हमारे साथ। तो मे बी सब ठीक हो जाए आगे चल के। और मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स लोगों को अच्छे से पता होगा, है ना। तो कोई नहीं फ्रेंड, इस बुरे वक्त में हमें एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ना होगा और डीमोटिवेट नहीं होना है। मैंने भी जब अपना सब्सक्राइबर लिस्ट चेक किया था, सडनली इतना घट गया है देख के मुझे भी बहुत बुरा लगा। और एक एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सबको पता है। और इतना डिफरेंस होना, क्या बोलूँ। मेरे घर के जो ऊपर है ना, वहाँ पे चिड़िया रहने के लिए अपना घर बना के रखी है। तो जितना भी आप उसको भगा लो वो फिर आ जाता है और ऐसे बैकग्राउंड म्यूज़िक देते रहता है। अच्छा ही लगता है, कोई बुरा नहीं लगता है, तो सुन लीजिएगा बैकग्राउंड म्यूज़िक समझ के। ओके फ्रेंड, तो कोई नहीं फ्रेंड, ऐसे ही हम अपना हिम्मत नहीं हारना है। लोग मेहनत करते जाइए, मैं भी करते जाऊँगी। यूट्यूब देखेगा ज़रूर हमारा मेहनत को, हम कैसे कर रहे हैं काम। मैं तो तबीयत ख़राब होते हुए भी मैं वीडियो डाल रही हूँ जितना भी हो सके। सभी मेहनत करते हैं, हमारे जितने भी फ्रेंड हैं सब मेहनत करते हैं, बस मेहनत का फल कभी ऐसे ही नहीं जाता है फ्रेंड, है ना। आएगा कि नहीं ये तो मैं श्योर नहीं बोल सकती, इतना मुझे भी नहीं पता है इस बारे में। बट बहुत सारे फ्रेंड ने ये चीज़ शेयर जब की तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने शेयर किया। मुझे लगा कि नहीं, मैं ही इस तकलीफ़ में नहीं हूँ, मेरी और दोस्त भी है, तो हम सब मिलके एक साथ इस तकलीफ के टाइम में हाथ पकड़े एक दूसरे का डट के खड़े रहेंगे और अपना काम करते जाएंगे, आगे जाके सब ठीक होगा, है ना फ्रेंड। सुबह उठते ही आप अगर ऐसे देखो तो मतलब सच में मेरे तो आँखों में आंसू आ गए थे जब मैंने देखा था। मुझे लगा था पता नहीं मेरा चैनल क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ ऐसा हो गया होगा, पता नहीं। बहुत सारे बातें ऐसे मन में ख्याल आते हैं। तो जैसे ही मैंने एक बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड से बात की, उसने मुझे बहुत अच्छे से समझाया और मुझे पता लगा उसका भी बहुत ही लॉस हुआ है, मतलब उसका भी बहुत घटा है। तो बहुत हिम्मत मिली, थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड, जिसके बारे में बोल रही हूँ। उसको तो पता है, पेप्सी लव यू, थैंक यू डियर, आपने मेरा हौसला बढ़ाया है, आप इतने अच्छे से आपने मुझे समझाया। मैं आज बहुत ही यम्मी एक ब्रेकफास्ट बनाई थी, तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी तो शेयर करूँगी, देख लीजिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करके मेरे चैनल में रहिएगा जो नए हैं। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं प्लीज़ हमेशा ही रहिएगा, ऐसे बुरे वक्त हो अच्छे वक्त हो, हर वक्त में आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों में फॉलो कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं, और स्टेप बाय स्टेप आराम से देख लीजिएगा। और बहुत ही यम्मी एक चटनी भी मैं शेयर कर रही हूँ, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। वो चटनी इतना यम्मी बना था, मैं आप लोगों को क्या बोलूँ, बहुत ही यम्मी बना था, बहुत ही माउथ वाटरिंग। आप कोई भी चीज़ के साथ ये चटनी ले सकते हो, लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया था। तो ये था हमारा मॉर्निंग यम्मी हेल्दी ब्रेकफास्ट, उत्तपम विथ रेड चटनी। इसके लिए उत्तपम बनाने के लिए हमें सूजी चाहिए। देखिए मैंने सूजी ले लिया है, सूजी या रवा आप बोल सकते हो। और टेस्ट वाइज नमक मैंने इसमें डाल दिया है। और देखिए ये है क्रश किया हुआ अदरक, और सूजी बारीक लीजिएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा मोटा वाला सूजी लिया था, तो मुझे आगे चल के क्या तकलीफ़ हुई है मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी आप मिक्स करते जाइए, एक साथ में ज़्यादा पानी मत दीजिएगा वरना ज़्यादा हो जाएगा पानी। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर रही हूँ पानी को, तो ऐसे मिक्स कर लेना है आपको सब चीज़ों को। तो देखिए मिक्स हो गया है मेरा, अब इसको ढक के 30 मिनट के लिए मैं रख दूँगी। इंस्टेंट उत्तपम भी बना सकते हैं, कभी मैं इंस्टेंट वाला भी शेयर करूँगी। आज टाइम है तो मैं 30 मिनट के लिए रख रही हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हो मैं ड्राई जो कोकोनट है, नारियल है, उसको मैं पानी में आधा घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी, देखिए, ताकि ये थोड़ा सा फूल जाएगा।
तो आधे घंटे के बाद मैं देखिए ढक्कन मैंने उठा लिया है और देख रहे हो आप पानी सूख गया है और सूजी भी फूल गया है। और ये है बेकिंग सोडा, खाने का जो सोडा होता है वो बस पिंच भर ही मैं इसमें देखिए डालूँगी। इससे फूलेगा सूजी और बहुत ही फ्लफी बनेगा और बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो इसको मिलाते ही आपको जल्दी जल्दी बनाना है, ज़्यादा लेट नहीं करना है। तो देखिए नारियल भी देखिए कितना अच्छे से फूल गया है ना। तो रेड चटनी के लिए मैंने ये नारियल भिगो के रख दिया था। और यहाँ पे देखिए उत्तपम के लिए मैंने सारी चीज़ों को काट लिया है, वेजेस को। ये कैरेट है, ये टमाटर है, ये अनियन है और ये ग्रीन चिली और कैप्सिकम। और देखिए आप कैरेट को मैंने कद्दूकस करके एकदम छोटा छोटा करके घिस लिया है। और इसमें मुझे क्या ऐड करना है देखिए, ये नमक टेस्ट वाइज, क्योंकि सूजी में नमक है तो नमक आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा, कम ही डालना है हमें। तो नमक डाल दिया है और एक ये है आपका चाट मसाला, अगर चाट मसाला हो तो डाल दीजिएगा, बहुत यम लगता है। और चाट मसाला डाल के ऐसे मिक्स कर लीजिएगा, आप चाट मसाला की जगह ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके घर में अवेलेबल नहीं हो तो। अच्छे से हल्के हाथों मिक्स करना है, ज़्यादा मसलना नहीं है। तो देखिए मिक्स हो गया है मेरा। और चटनी के लिए देखिए अलग से मैंने ये रेड चिली, ये टमाटर देखिए, और ये थोड़े से मूँगफली के दाने, और ये है अदरक, और ये इस नारियल, सब चीज़ों को मैं एक साथ एक अच्छा सा पेस्ट बना के रेड चटनी रेडी कर लूँगी। और देखिए यहाँ पे तवा मैंने गरम कर लिया है, और एक टिश्यू पेपर ले लीजिए जैसे हम डोसा बनाते हैं, ये भी एक साउथ इंडियन डिश ही है। तो देखिए रेड चटनी के लिए मैंने नमक डाल के थोड़ा सा पानी डाल के चटनी के लिए रेडी कर लिया है। तो ऐसे चम्मच से आप देते जाइए और हल्के से ऐसे घुमाते जाइए, आपका आराम से गोल हो जाएगा। और ये मेरा सूजी आपको थोड़ा सा मोटा लग रहा है ना, आप चम्मच में दिख रहा है ना सूजी, अगर आप पतला वाला लोगे तो एकदम नहीं दिखेगा, स्मूथ हो जाएगा। तो देखिए ऊपर से ये वेजेस को आप अच्छे से सेट कर दीजिए, अच्छे से एकदम दबा दबा के, ताकि ये निकले ना, थोड़ा सा दबा दीजिएगा। और आपने देखा ही था बहुत कम ही ऑयल मैंने दिया था, ऊपर में मैं थोड़े से ऑयल दे रही हूँ ताकि जब मैं पलटूँ ये उस साइड से चिपके ना। तो मैं अब आपको मेरा एक गलती आप लोगों को बताऊंगी। तो देखिए ये तो ये फर्स्ट है तो थोड़ा हल्का सा चिपक जाता है, आपको पता है सेकंड वाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो ढक्कन थोड़ा सा लगा दिया है, ढक्कन लगा दीजिएगा, ऊपर से भी बॉयल हो जाएगा आराम से। तो अब मैं पलटूंगी ना फ्रेंड, तो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए एक साइड में हल्का सा थोड़ा सा फट गया है ना, यही है, बारीक सूजी अगर होता तो ये नहीं फटता, लेकिन सेकंड वाला नहीं फटेगा, फर्स्ट थोड़ा सा गड़बड़ होता ही है। तो देखिए कितना यम बन के एकदम रेडी हो गया है। अब मैं आपको सेकंड वाला दिखाऊंगी, देखिए सेकंड वाला कितना अच्छा से सेट हुआ है ना, ये फटेगा भी नहीं, आगे आपका बहुत अच्छे से रहेगा। और मैंने इनको दे दिया था क्योंकि ये उत्तपम और ये रेड चटनी भी मेरा बन के रेडी हो गया था, इतना यम बना था फ्रेंड। एक बार ट्राई कर लीजिएगा, मैंने तो दे दिया है, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं डाल दूँगी। तो गर्मा गर्म मैंने इनको सर्व कर दिया था और मैं किचन में अपने लिए बना रही थी। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू फ्रेंड, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक एक दे दीजिएगा।